to my channel, The Amiable Soul. I'm Shivani. Today I'm sharing with you guys my top favorite kajal, which is I'm using past few months. And so, if you have oily lid like me, जिसके eyes में kajal लगाते ही, I don't know कैसे भी वो melt हो जाता है. And जो daily kajal लगाना पसंद करती हैं, like me, उनको एक budget friendly kajal चाहिए, जो काफी देर तक last करे और smudge proof भी हो. So girls, this video is just for you. So without wasting too much time, let's get started. So my first kajal is this one, Miss Clear One Stroke Kajal, super black. This is waterproof, smudge proof and 12 stay power. Actually, I don't know कि 12 hours तक ये stay करता है, नहीं मैंने कभी इतनी देर तक काजल को wear नहीं किया है. 2 to 3 hours मैंने पक्का इसको wear किया है, मेरे आंखों में से टस से मस नहीं होता है. And smudge proof, seriously smudge proof है and waterproof भी है. मुझे इसको oil से या फिर मुझे Miss Clear water से ही इसको हटाना पड़ता है, अदरवाइज ये easily नहीं remove होता है eyes में से. And this is just ₹125 and so आपको ये नायका पर Amazon पे easily मिल जाएगा. नायका पर sorry आपको नहीं मिलेगा, नायका पर ये almost out of stock रहता है. And जब भी ये stock पर आता है, मैं 3 से 4 ये मंगवा ही लेती हूँ काजल, because I seriously love this so much. And this काजल आपको two to three months तक ये आपको last करता है. अगर आप इसे daily wear करते हो तो आपको ये 2 months तक last करेगा. And इसमें वो sharpener वाला thing नहीं है, ये आपको just ऐसे ओपन करना है और उसको यूं घुमाना है तो इसका जितना भी प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा. एंड आई रियली लव दिस काजल. अगर आपको भी मेरे जैसा ऑयली लिड का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक बार इसको ट्राई करके देखो एंड थैंक्स मी लेटर. तो माय सेकंड काजल इज दिस नायका रॉक द लाइन काजल. दिस इज वेरी पिगमेंटेड काजल आई मस्ट से. एंड इस ये आपको 199 का मिलता है, इसका MRP 199 का है, लेकिन नायका पर जब भी सेल होता है ये आपको 150 and 175 का इजिली मिल जाता है. इसका भी सेम ही प्रोसेस है, आपको इसको ओपन करना है एंड ऐसे घुमाना है, सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा. ये भी आपको अगर आप डेली इसको वेयर करते हैं तो ये 2 months आपको इजिली लास्ट करेगा. इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, एकदम डार्क जेड ब्लैक कलर का आपको ये स्ट्रोक देता है. एंड या ये भी आपकी आईज में से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है. जब भी मिस क्लेयर वन से मैं रन आउट होती हूँ तो मैं हमेशा इसी को यूज करती हूँ. एंड या so the last but not the least kajal is this color bar eye glut pencil. I know guys ये kajal बहुत पहले ही launch हो गया था, लेकिन अभी मुझे 2 to 3 months पहले ही मैं इसे introduce हुई. and मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जब से मैंने ये kajal use किया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसके 3, 4, 5 जितने भी शेड्स होते हैं ना, मैं वो सारे शेड्स उठा के ले आई हूँ. ये काजल इतना ज़्यादा अच्छा है. आई नो ये 599 समथिंग का है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसको सेल पर ही लिया है. एंड नायका पर अभी भी कुछ सेल चल रही है और सेल पर ही आपको 300 समथिंग का मिल रहा है. एक्चुअली ना मैं जब भी काजल यूज़ करती हूँ ना, मैं लाइनर की जगह भी काजल को ही यूज़ करती हूँ. लाइनर मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ अपनी आईज पे, मुझे काजल को ही लाइनर बना के यूज़ करना ज़्यादा पसंद है. तो मैंने ये काजल अपनी लाइनर की तरह मैंने इसको यूज़ किया. और गाइज मैंने सुबह इसको लगाया था और मैं फिर शॉपिंग के लिए निकल गई थी. शाम को जब मैं घर वापस आई थी तो मेरा सारा मेकअप बिगड़ गया था, लेकिन बस एक ये जिंदा था तो यही काजल था जो मेरी आंखों पर जिंदा था, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा. एंड ये आपको बिल्कुल भी आईज में भी आपको बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं देता है. एंड आपको तो पता ही है कलर बार के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एंड उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है. तो मुझे तो ये काजल बहुत ज़्यादा पसंद आया. लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, जब से मैंने ये पर्पल वाला काजल मैं यूज़ करती हूँ जब भी अपनी आईलेट में, तो आई डोंट नो मुझे बहुत ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं. आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इसमें कुछ स्पार्कल है, दैट्स व्हाई, आई डोंट नो. बट द ब्लैक वन इज लाइक माइंड ब्लोइंग काजल, सीरियसली. अगर आपका बजट 300 आपको अलाउ करता है तो आप इसे नायका से ऑर्डर कर सकते हो. अदरवाइज अगर मैं कोई एक काजल आपको स्विच करने के लिए बोलूँ तो आप मिस क्लेयर का काजल पक्का यूज करो, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये काजल. इट्स सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज. होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, बाई.